हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, सिस्टम सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर जाना है। एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर की साइड स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन। तो राइट साइड से हम इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि अलाउ एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट भी अकाउंट फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, यानी कि जो आपका शॉर्टकट होता है इसे आप अगर ऑन कर लेंगे तो आपको जो है लॉक स्क्रीन करने में आसानी होगी। शॉर्टकट से ही आप लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी सेटिंग्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। इससे क्या यूज़ होता है, जैसे आप इसे ऑन कर लेंगे तो आपका जो पावर बटन है, ये वाला बटन है आपका, जैसे कॉल आती है तो आप पावर बटन को क्लिक करके यानी कि प्रेस करके कॉल को कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू होता है। इसे आप ऑन करके शॉर्टकट पे जाएंगे तो आपके ये सारे शॉर्टकट जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन करना, साउंड बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इन तरीके से शॉर्टकट आ जाता है इस तरीके का। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फैंस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।